सिंचाई विभाग में सिंच पर्यवेक्षक विवेक कुमार के निलंबन से नाराजगी है। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद जनपद शाखा आगरा के समस्त घटक पदाधिकारियों ने सिंचाई विभाग के आला अधिकारियों से मामले की निष्पक्ष जांच कराकर निलंबन वापस लेने की मांग की। बुधवार को अतिक्रमण मामले में सिंचाई विभाग के विपिन कुमार के निलंबन से नाराज राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद जनपद शाखा आगरा के समस्त घटक दलों पदाधिकारियों ने प्रतापपुरा स्थित सिंचाई विभाग के कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया और जमकर कर्मचारी के समर्थन में नारेबाजी की। मामला ये है कि इनके द्वारा मुझे ना तो कोई नोटिस दिया गया, ना ही मुझसे मेरे खिलाफ कोई आरोप पत्र दाखिल किया गया अभी, और डायरेक्ट मुझे सस्पेंड कर दिया गया है, जिसमें मुझे बताया गया है कि अतिक्रमण जितने भी क्षेत्र में हुए हैं उन सभी का आरोप है मेरे ऊपर कि ये आपके कार्यकाल में कराए गए हैं, जबकि अतिक्रमण कराने की जिम्मेदारी पूरी सहायक अभियंता महोदय पंकज अग्रवाल की है, मगर अपने उनको छुपाते हुए अपनी कमियों को उन्होंने सारा आरोप हमारे मेरे ऊपर लगाकर मुझे गलत तरीके से योजनाबद्ध तरीके से सस्पेंड कराया गया है। ऊपर अधिकारियों से कि हम तो धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं, जबकि सारे डॉक्यूमेंट मेरे पास मौजूद हैं जिसमें मैं ये बिल्कुल क्लियर कर दूंगा कि जो भी अतिक्रमण है इनसे मेरा कोई मतलब नहीं है। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद जनपद शाखा आगरा के पदाधिकारियों का आरोप है कि कर्मचारी को बिना किसी निलंबन प्रक्रिया के निलंबित कर दिया गया है। इस दौरान उन्होंने सिंचाई विभाग के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए। हमारे जो सिंचाई विभाग के कर्मचारी या निलंबित किए गए हैं उस परिप्रेक्ष्य में राज्य कर्मचारी संघ परिषद के सभी पदाधिकारीगण और संबद्ध संगठन के सभी पदाधिकारीगण मौजूद धरना प्रदर्शन पर आए हैं और हमारा इनसे अभियंता महोदय जी से यही अनुरोध है कि अनर्गल जो सस्पेंशन किया है उसको वापस लिया जाए, क्योंकि कर्मचारी की उसमें कोई गलती नहीं होती, अधिकारी के संज्ञान में सारी चीज़ें रहती है, कहाँ अतिक्रमण हो रहा है, क्या हो रहा है, उनकी जिम्मेदारी होती है कि टीम बना के उस पर कार्रवाई की जाए, पुलिस की मदद ली जाए। बीच में मलपुरा पे भी एक ऐसी घटना हुई थी कि नहर पे किसी बिल्डर द्वारा पुलिया बना दी गई थी, इनके आदेश से हमारे कर्मचारी वहाँ मलपुरा गए, थाने में सूचना दी, उसके बाद गए तो वहाँ पिटाई कर दी गई। एई जेई महोदय कोई भी वहाँ नहीं पहुँचा, ना इनकी मदद के लिए अभियंता महोदय ने मदद करी। अधिकारियों ने अपने भ्रष्टाचार को, अपनी कमियों को दबाते हुए और हमारे सिंचाई विभाग के कर्मचारी विपिन कुमार जी को निलंबित किया है और हमारा राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद पूरी तरह से इस आंदोलन में यहाँ के सिंचाई संघ के साथ है और जहाँ तक हम चाहते हैं कि मामले की निष्पक्ष जांच हो और जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई हो, ये मेरा कहना है। बहुत बहुत साथ ही सिंचाई विभाग के आला अधिकारियों से मामले की निष्पक्ष जांच करते हुए निलंबित सिंच पर्यवेक्षक का निलंबन वापस लेने की अपील की है। असल में ये सिंचाई विभाग के अधिकारियों द्वारा समय समय पर इन कर्मचारियों का उत्पीड़न किया जाता है। पिछले अभी 2 महीने पहले भी इनके साथ एक मारपीट हुई थी, इसमें इन अधिकारियों द्वारा कोई भी सहयोग नहीं दिया गया था, बल्कि राज्य कर्मचारी परिषद ने ही जा करके उनकी FIR कराई थी, मेडिकल कराया था, तब जा करके कहीं उनको न्याय मिल पाया। ये कर्मचारियों के साथ यहाँ पर हमेशा उत्पीड़न होता आया है, उसी के परिप्रेक्ष्य में दोबारा से बिना कोई नोटिस दिए, बिना प्रशासनिक कार्रवाई अमल में लाए हुए सीधे सीधे निलंबन कर दिया और निलंबन की प्रक्रिया को जिस तरह से करना चाहिए थे उस तरह से नहीं किया गया, नहीं उसको मौका दिया गया इस बात का कि वो अपनी बात को रख सके। तो ये तो एक अंग्रेजों वाला शासन होगा कि जिसकी मर्जी है इसको निलंबित कर दो, सस्पेंड कर दो, किसी को बर्खास्त कर दो। इस प्रक्रिया के विरोध में हमने यहाँ पर ये सिंचाई संघ जो ये धरना दे रहा था, जिससे हमारा क्योंकि संबद्ध संगठन है राज्य कर्मचारी परिषद का, हमसे सहयोग मांगा, इसलिए राज्य कर्मचारी परिषद पूरे अपने 62 संबद्ध संगठनों को लेकर के यहाँ पर है। इन्हीं अधिकारियों की सह पर सभी जगह अतिक्रमण हो रहा है, इनकी सह से ही होता है और ये कर्मचारी के ऊपर थोपते हैं। अगर ये निलंबन वापस नहीं लेते हैं तो राज्य कर्मचारी परिषद के समस्त घटक दल अपनी आंदोलन की रूपरेखा बना के अंतिम निर्णय तक इसे लड़ेंगे। धरना प्रदर्शन के दौरान राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद जनपद शाखा आगरा की ओर से डॉक्टर RS राणा, उपाध्यक्ष राजीव उपाध्याय, जिला अध्यक्ष विनोद चौधरी, अजय शर्मा आदि मौजूद रहे। सी न्यूज के लिए अनिल कुमार सिंह की रिपोर्ट।